सब तो पहली खबर दा रुख करांगे झोने की सीधी लवाई नूं लैके पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबा वासियों नूं अपील की है। भगवंत मान ने ट्वीट करके लिखा है कि धरती हेठला पानी बचाउण दे लई मैनूं हर रोज़ भरमा हुंगारा मिल रहा है। इस बार सारे अपने दोस्तों मित्रां ते रिश्तेदारां नूं प्रेरित करो, आओ सारे मिलकर खेती बचाइए, पानी बचाइए ते साडा पंजाब बचाइए। प्रितपाल सिंह पिंड जयपुरा जिला लुधियाना महकमा पंजाब पुलिस विचों कुछ महीने पहला रिटायर होया अते हुण खेतीबाड़ी करदा पंजाब सरकार दी हदायतां दी पालना करदे होए मैं अपने नगर दे लोकां नूं झोने की सीधी बिजाई करन वास्ते काफी प्रेरित किया। इस नाल असीं अपने नगर दे विच इस साल काफी रकबे विच झोने की सीधी बिजाई कर रहे हां। पिछले साल भी असीं पंजाब सरकार दी हदायतां दी पालना करदे होए अपने नगर विच काफी रकबे में झोने की सीधी बिजाई की थी। मैं पंजाब के लोगों को भी यही अपील करदा कि आप अपने पंजाब का पानी बचाने लई अपने रकबे में झोने की सीधी बिजाई करिए। इस नाल काफी झाड़ भी आपां वध मिल सकता अते इस तों अलावा कणक के नाल नूं भी असीं अपने नगर में अग नहीं लाई जिस नाल कुदरत नूं असीं काफी बचा सकते हां। मैं पंजाब के लोगों को फिर अपील करदा कि आप मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी का साथ दईए अते पंजाब नूं खुशहाल बनाईए। धन्यवाद। मूंगी की फसल से MSP देने के फैसले से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट करके लिखे कि माहर मानते हैं पंजाब की सरकार का फैसला इतिहासक है जिसके पांच बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा कणक किसानों कणक झोने के नाल तीजी फसल की मूंगी ते MSP मिलेगी, धरती हेठले पानी की कमी दूर होगी। तीजा जड़ा वो गल का जिक्र किया गया कि झोने की लवाई वेले बिजली की समस्या दूर होगी। जुलाई में मीह वाला मौसम होने करके बासमती लगाने में खर्चा घटेगा। पंजवा पॉइंट यह है कि पंजाब दालों से आत्म निर्भर बनेगा। सो किसान भरावो अपनी सरकार का साथ दो, खेतों को बचाइए, पंजाब बचाइए।